अब देखिए यहाँ पे टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर कैरी करंट इक्वल करंट इन सेम डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए मिड पॉइंट इन बिटवीन द टू वायर। तो इसमें दो वायर इनफाइनाइट लेंथ के लेंगे हम, ये इनफाइनाइट लेंथ के हमने वायर लिए हैं, ये दो वायर हैं पैरेलल हैं और इनमें करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो ये हमने करंट इनमें सेम डायरेक्शन में ले ली है, सेम करंट दी है, तो इसको हम आई इक्वल करंट ले लेते हैं। तो इसके मिड पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो ये डिस्टेंस आर हो जाएगी और ये भी डिस्टेंस आर हो जाएगी, मिड पॉइंट है। तो देखिए फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट वायर ले लेते हैं और इसको सेकेंड। तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे तो फर्स्ट वायर में हम राइट हैंड रूल से जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इनसाइड होगी, यूं राइट हैंड लगाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ जाएगी और इस वायर ये B1 की डायरेक्शन होगी, B1 इनवर्ड होगा। सेकेंड वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगी। अब दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा B1 इज इक्वल टू B2 होगा क्योंकि करंट सेम है और इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इस मिड पॉइंट को हम P ले लेते हैं, तो BP की वैल्यू जो होगी वो B1 - B2 होगी और इक्वल वैल्यू है, इनको लेस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगी। तो इस मिड पॉइंट पे इन दोनों वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी,